अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी चिकन कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है ना, ये वाकई में बहुत ही क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में चिकन डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल के और आधा कप के लगभग पानी डाल के एक प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर जब नेचुरली रिलीज़ हो जाएगा, प्रेशर कुकर का लीड खोल देना है। प्रेशर कुकर से सारा चिकन के पीसेस को हमें निकाल लेना है। एक बर्तन में निकालने के जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब इस तरीके से हमें उंगलियों के मदद से इसे मसलेंगे तो रेसा रेसा अलग हो जाएगा। तो सारे चिकन के पीसेस को इस तरीके से कर देना है, हड्डी साइड कर देना है। आप चाहे तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मैं यहाँ हड्डी के साथ वाला ली थी, तो जो हड्डी होगा उसे हमें निकाल देना है। तो देखिए, सारे चिकन के पीसेस अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में हो गया। हमने यहाँ चार बॉइल्ड आलू लिया है, अब इसे ग्रेटर से कद्दूकस कर देना है। तो चारों आलू को हमें इसी तरीके से ग्रेटर से कद्दूकस कर देना है। आलू को कद्दूकस करके साइड में रख देंगे। उसके बाद एक पैन गरम करेंगे। पैन जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। तो तेल जब गरम हो जाएगा तो एक छोटी चम्मच जीरा डाल देना है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करके डाल देना है। दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको थोड़ी देर तेल में फ्राई करना है। प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें कुछ रेगुलर मसाला ऐड करना है, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मसाले को अच्छे से भून देंगे। उसके बाद बॉइल्ड आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसे डाल देना है। उसमें नमक डाल देंगे। अब मसाला के साथ आलू को भी हमें भूनना है। आलू को मसाला के साथ भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट में ये अच्छे से भुना जाएगा। जब ये अच्छे से भुना जाएगा तब इसमें हमें बॉयल चिकन ऐड करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चिकन खाना नहीं पसंद करते हैं तो चिकन की जगह पे आप बॉयल्ड एग डाल सकते हैं या सोया बॉयल करके डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा कटलेट बनता है। वेज कटलेट बना सकते हैं इसमें। और दूसरा वेजिटेबल्स होता है, जैसे बीन्स, गाजर, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चिकन कटलेट बना रही हूँ, तो चिकन ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है आलू के साथ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। तो खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम कर देंगे ऑफ, और ये मिक्सचर को हमें ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा तब हमें इसे कटलेट का शेप देना है। तो मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये चिकन कटलेट बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है और बनाना भी बहुत आसान है। और इंग्रेडिएंट्स इसमें जो यूज़ होता है वो किचन में आपके इजीली अवेलेबल रहता है। तो देखिए, मिक्सचर ठंडा हो गया। अब इस तरीके से एक बॉल शेप देके उसे सर्कल शेप में बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, अपने मनपसंद का कटलेट का शेप दे दें। मैं यहाँ गोल गोल बना रही हूँ, सर्कल शेप में बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से बना देना है। पहले बॉल का शेप करके उसे उंगलियों से प्रेस कर देंगे। देखिए, आप वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो सारे मिक्सचर का हमें इस तरीके से शेप दे देना है। देखिए, तो हमारा सारा ये सर्कल शेप का कटलेट रेडी हो गया। दो अंडा ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है, नमक डालना है। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने अंडा को अच्छे से फेंट लिया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब हमें कटलेट को कोट करना है। तो ब्रेड क्रम हमने लिया है, पहले कटलेट को डिप करना है अंडे के घोल में। उसके बाद ब्रेड क्रम पे रख के इसे अच्छे से कोट करना है, हर तरफ से अच्छे से कोट होना चाहिए। देखिए, अब वीडियो को देखिए, बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। पहले कटलेट को लेके हमें अंडे के घोल में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम के ऊपर डाल के उसे ब्रेड क्रम का कोट लगाना है अच्छे से, हर तरफ से इसे अलट पलट के सब तरफ से अच्छे से कोटिंग कर देना है ब्रेड क्रम का। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पीसेस को हमने कोट कर लिया। आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में आप स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हैं। जब खाना है आप तेल गरम कीजिए और गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कीजिए। तो तेल गरम कर लेंगे, अब इसे हमें कटलेट के पीसेस को डाल देना है। पहले एक साइड हमें फ्राई करने देना है, जब वो ब्राउन कलर का हो जाएगा तो टर्न करके हमें दूसरे साइड भी फ्राई करना है। फ्रेंड्स, कटलेट को हमने ब्रेड क्रम से कोट किया है तो ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, तुरंत फ्राई हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से सारे पीसेस को हमें
फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से आप एक बार ज़रूर चिकन कटलेट ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, एकदम जूसी है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो है ना कितना इजी बनाना है चिकन कटलेट। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस से एक बार आप ज़रूर चिकन कटलेट बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।